आज जो स्टोरी मैंने दो तीन दिन पहले, हम क्लास लेंगे अभी नहीं, पहले इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे, अनइम्पॉर्टेंट चीजों को हम बाद में करेंगे। तो मैं जिसके ऊपर बात करना चाह रही थी उस पर मैंने लास्ट वीक भी बात की थी जब ये स्टोरी ब्रेक हुई थी, मगर उसके बाद उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, उसमें बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट करूं और थोड़ा सा बताऊं कि एक्चुअली हुआ क्या, और यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज कमिंग आउट। अभी भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो इधर है उधर है, लाइक बहुत सारी चीजें जो है, इट वॉज जस्ट हार्ड टू अंडरस्टैंड कि हुआ क्या है एक्चुअली। तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। मैं बात कर रही हूँ नूर मखादम, यार मुझसे उसका लास्ट नेम पता नहीं क्यों नहीं बोला जाता है, बट जो एक खवातीन, एक लड़की है, औरत लड़की जो भी कहेंगे उसको, जिनका कत्ल किया गया है बहुत बुरे तरीके से, उस बंदी को मारा गया। और मैं आपको फिर उनकी तस्वीर दिखा देती हूँ कि वो कौन है। अगर आपने नहीं देखा है वैसे तो ये बहुत ही वायरल हुई हुई है न्यूज अभी तक, इनके जो है वो चल रहे हैं हैशटैग जो है पाकिस्तान में वो चल रहा है अभी तक, नूर के लिए, जस्टिस फॉर नूर, जस्टिस फॉर नूर। अब मुझे ये भी पता चला कि नूर जो थी अभी किसकी डेथ हुई थी, कोई और लड़की थी जिसके ऊपर जिसको इसी तरह से मर्डर कर दिया था। तो नूर जो है उसके लिए जो रैली निकाली थी या प्रोटेस्ट निकाला था, तो वहां पर ये बंदी थी, और वहां पर इसने वो बैनर, मैं दिखाती हूँ आपको इसकी तस्वीर, तो ये वो बैनर लेकर, सो हाँ, तो नूर जो है वो वहां पर थी और उसने बैनर उठाया हुआ था, और वो किसी और बंदी के लिए जस्टिस इकट्ठा कर रही थी। तो इसको क्या पता था कि एक दिन इसके नाम का भी इसी तरह से टैग चल रहा होगा। हमको किसी को नहीं पता, हमको किसी को नहीं पता। हम खवातीन जो है ना, चाहे हम कनाडा में बैठे हों, चाहे हम कहीं और बैठे हों, हमको नहीं पता, क्योंकि पागल लोग तो हर जगह होते हैं, पागल लोग तो हर जगह होते हैं। जितनी धमकियां मुझे आ रही हैं आजकल, आई डोंट नो, यू नो, कुछ भी हो सकता है। तो मगर हम बस एक हैशटैग ही बन के रह जाएंगे, आई गेस, यू नो। और ये जो कमीने कुत्ते मर्द होंगे ना, ये अपनी हरकतें नहीं बदलेंगे, मगर ये हमेशा यहाँ पर आके यही बोलेंगे, हाँ। और इनमें से काफी मर्द होते हैं जो ये हरकतें कर रहे होते हैं, मगर साथ साथ में बोल रहे होते हैं, हाँ हाँ, जस्टिस फॉर दिस, जस्टिस फॉर दैट। दे आर ऑल बुलशिट, ऑल बुलशिट। मैं नहीं बिलीव करती हूँ। तो ये देखिए, ये यहाँ पर थी, पता नहीं किसके उस पर ये रैली हुई थी। तो ये यहाँ पर बंदी थी नूर, खुद देखो, ये दूसरों के लिए जस्टिस मांग रही है, तो इसके लिए भी हमको जस्टिस मांगना पड़ेगा। ऑब्वियसली वो बंदा जो है बचेगा तो नहीं, क्योंकि इतनी इतनी वायरल हो गई है ये न्यूज, और इतनी, जैसे कहते हैं ना, दिल दहलाने वाली। एक होता है ना किसी का मर्डर हो जाए, ना ना ना, ये मर्डर नहीं था, ये टॉर्चर था। उस बंदी को टॉर्चर किया, उसको तड़पा तड़पा के मारा उस बंदे ने। तो अब हुआ क्या, पूरी स्टोरी मैंने आपको थोड़ी सी जो है स्टोरी उस दिन बता दी थी, मगर मैं अब आपको पूरी स्टोरी इस वजह से बताना चाह रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं जो आई हैं। वो करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिकॉर्डिंग चलाना चाहती हूँ यहाँ पे, जो कि एक ऑडियो जो है वो लीक हुई है, और वो इस बंदे की, क्योंकि इस बंदे को जिसने इसको मारा है उसको मेंटली कोई इश्यूज थे, क्योंकि खैर मैं रिकॉर्डिंग बाद में चलाती हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे दूँ। तो ये बंदा इंग्लैंड में था, अमेरिकन सिटीजन है ये, मगर ये इंग्लैंड में भी रह रहा था, और इसने अपनी एक दफा माँ को भी अपने घर में, भाई को बांधा और अपनी माँ को बहुत बुरे तरीके से पीटा। सो उस वक्त इसको पकड़ के पुलिस वाले ले गए थे, और फिर इसको 3 महीने की जेल भी हुई थी इंग्लैंड में। तो इसको जो है मेंटल इंस्टीट्यूट जिसे कहते हैं ना, जो साइकाइट्रिस्ट के पास भेज रहे थे, ये अपनी थेरेपी करवा रहा था। थेरेपी करवाते करवाते पाकिस्तान में जहां पर ये रह रहा था, इसकी माँ का ही क्लिनिक था, एक थेरेपी क्लिनिक जहां पर इसको भी थेरेपी मिल रही थी, और फिर ये थेरेपी करवाते करवाते ये दूसरों को थेरेपी देना शुरू हो गया। बीकन हाउस स्कूल में जाकर वहां पर बच्चों की थेरेपी कर रहा था। एक बंदा जिसको खुद थेरेपी की जरूरत है वो दूसरों को थेरेपी दे रहा था, लाइक दिस इज लाइक द आयरनी। तो वो जो थेरेपी वर्कर्स हैं उनकी एक यहाँ पर मैं जो है क्लिप चलाना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप देखें और सुने इसको कि ये बंदा क्या कह रहा है। तो here we go. He was put into the laboratory. And the second question, I'll ask you the second one later. We had the following information. आवाज आ रही है? He had
an incident in the UK where perhaps with a fight with his mother or something, he had got violent. एक मैं मॉडरेटर से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो यहाँ पर आके गालियां लिख रहे हैं ना उनको ब्लॉक नहीं करना. हम चाहते हैं कि हम दुनिया भर को दिखाएं कि भाई जो लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं या जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, जो रिलीजियस लोग होते हैं ना, धार्मिक लोग, वो कैसा बिहेव करते हैं. हमारे तो मोरल्स है ही नहीं ना, हम तो एथियस्ट हैं. हमें तो कोई ऊपर से नहीं कह रहा ना कि ये करो वो करो, मगर मैं ये दिखाना चाहती हूँ पूरी दुनिया को कि हाँ ये सबसे अच्छे सबसे मोरल वाले लोग हैं ये क्या लिखते हैं. तो प्लीज इनको रखो, इनको दिखाने के लिए, ताकि मैं इनकी स्क्रीनशॉट ले लेके गोरों को दिखाऊं कि देखो 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 ये देखो ये देखो कितने पीसफुल लोग हैं. पीसफुल हो तुम लोग. एनीवेज कंटिन्यू विद दिस, ये जरा गौर से सुनिएगा. पुलिस हैड टू बी कॉल्ड एंड इट देन इट वाज हश हश एंड इट एंडेड. वी नो ऑफ दिस बट देयर वाज एन इंसिडेंट इन लंदन वेयर ही गॉट वायलेंट विद हिज मदर एंड द पुलिस वाज कॉल्ड. This is one incident we know of. Yes, he had a history of hard drinking and drug use. And there is a group in Islamabad in which that boy survived and four girls were killed, which that party also took place from his house. That was after 2019. It was in late 2019, 2020. अच्छा, तो एक और इवेंट हुआ था जहां पर इसके घर में पार्टी हुई थी और वहां पर भी मेरे ख्याल से ये कह रहे हैं कि कुछ कुछ हुआ था. आई डोंट नो व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट, मगर इसके पहले भी इसके घर पे कोई ऐसा हादसा हो चुका था. मैं बता दूं कि इसकी चेकर्ड हिस्ट्री जरूर थी, इसकी चेकर्ड हिस्ट्री जरूर थी. अब सवाल आता है कि अगर इसका एक वायलेंस इंसिडेंट इसकी वाइफ के साथ हुआ था लंदन और इसका ड्रिंकिंग पैटर्न और पार्टी पैटर्न वही तमाम ये जो रिची रिच इस शहर के हैं उसका था, did that disqualify him or qualify him to come into level 3? I think perhaps was a mistake on my part in allowing him to come into level 3, but during level 2 it got him into level 3 and in level 3 none of the things that you are alluding to was visible. However, I say to you that it was a mistake on my part, knowing that London में माँ के साथ लड़ाई हुई है, बच्चों की बहुत violent लड़ाई है माँ के साथ होती है. London की एक incident था और इसका एक drinking history थी जिसकी basis के ऊपर शायद मेरे अंदर गलती है कि मैंने इसको level 3 में. Yeah, and then that's what I'm coming to, okay, maybe there should be some sort of stricter procedure at the intake time. Yes, you're right. Yes, you are and, right. And the second question I had was, there's a lot of information during the rounds that the incident occurred while the Therapy Works team was there. Like they were downstairs, they were not upstairs in his room. So I was just trying to understand what information was given to Dr. Iram and to you, and if instead the police had been called, would that have made a difference? Yes. All right. Good. So we were called. I have call records, which we showed the police. I have call records. The first call went at 7:10 from Asmat to Dr. Iram. They thought I was in Bangalore. 6:55. Huh? I got a call at 6:55. 6:55. 6:55. Iram said Tahir is back. And I have my call record. I got a call around 7 something. And our team went there around 7:30. Logon ko jama karo, doctor, nurse, PK, security, sara kuch. We were in there around 7:30 or thereabouts. Exact timings मुझे निकाल के देने पड़ेंगे. अब जब ये position थी, अब 7:30 पहुंचे हैं, तो एक crowd बाहर खड़ा था इसके दोस्तों का. उनको पूछा पुलिस को क्यों नहीं बुलाया. हमारी तरफ से कोई delay या गफलत नहीं हुई. इन्होंने हमें बुलाया ही ऐसे और ऐसी अजीब बात की है. जाकिर जाफर
फोन में मुझे कि एक लड़की अंदर है जिसको शायद ये सुलिसिट कर रहा है। मैंने कहा क्या बोल रहे हो जाकिर, सुलिसिट का क्या मतलब होता है, लड़की बुला रहा है उसके लिए कुछ ऐसे ही है, छलांग मारी है एस्केप करने के लिए 4:30 4:30 और वो एस्केप करके ऊपर की छत से जमीन पे गिरी है। इनके नाम और आग बहुत तमाम तमाम पे मौजूद थे, उन्होंने उस लड़की को बचा के बाद में निकाला गेट से, ये आया गाबारे उस पकड़ के उसको अंदर भेजे। हम तो उसमें थे ही नहीं, हम तो जब पहुंचे हैं और हमने जब तक सीढ़ी लगाई है और दरवाजा तोड़ा है और अंदर गए हैं, लड़की तब तक मर्डर हो के बीहेड हो के पड़ी हुई थी और हमारे ऊपर हमला इसने पिस्तौल उस छुरी से किया है। तो टू से दैट वी कुड हैव अवॉइडेड इट, वी मोस्ट सर्टेनली कुड हैव अवॉइडेड इट इफ वी हैड कॉल्ड इन आफ्टर 4:30 व्हेन ऑल दिस वाज हैपनिंग। वी वर कॉल्ड इन 3 hours आफ्टर द गर्ल जंप एंड ही मर्डर्ड हर 3 hours आफ्टर दैट। So the question of the timing, ke, when were we there, was the girl in the room, could we have intervened? The very fact that the intervention is a mistake, intervention requires family members to be present. Intervention requires almost 100% safety to the patient, to the therapy team, ke koi kisi ko kuch chot na lag jaye. ओके सो तो बेसिकली ये उन डॉक्टर की कॉल थी जो इनको ट्रीट कर रहे थे इसको। अब हुआ क्या था कि मैंने पहले इस पे थोड़ी सी आपको बताया था बैकग्राउंड के, लोग कह रहे हैं कि इनका क्या ताल्लुक था, इनका क्या ताल्लुक था। जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, नूर और ये जो जलील इंसान था, इन लोगों की फैमिली जो थी वो फ्रेंड्स थे, फैमिली फ्रेंड्स थे। इनके जो फ्रेंड्स का ग्रुप सर्कल था वो भी एक ही था, दोनों बहुत अच्छे यानी अमीर खानदान से हैं। आपको पता है कि नूर की जो बाप है वो एक क्या रह चुके हैं यार, एम्बेसडर रह चुके हैं टू सिंगापुर आई थिंक। तो वो बंदा भी जानने वाला है, अच्छी तगड़ी फैमिली से दोनों थे। अब बात ये हो रही थी कि वो बंदा इनसे शादी करना चाहता था, नूर से आई थिंक, जहां तक मुझे खबर मिली है। और ये भी करना, आई थिंक ये भी करना चाहती थी, मगर उनके पेरेंट्स को ये चीज नहीं पता थी, यानी उनके पेरेंट्स को, नूर के पेरेंट्स को ये चीज नहीं पसंद थी। क्योंकि जब उनको ये वाक्यों का पता चल रहा है कि भैया ये बंदा ड्रिंकिंग करता है या ड्रग्स में था या जो भी था, और उसने अपनी माँ को जो माँ पे जो हाथ उठाया था, तो इस वजह से वो लोग नहीं चाह रहे थे कि नूर उसके साथ शादी करे। और तो इसको ये चीज का पता चल गया था, शी ऑल्सो रिफ्यूज्ड हिम। तो इसे धोखे से उसको बुलाया अपने घर पे और इसने कहा कि अपने माँ बाप से कहो कि तुम कहीं और जा रही हो। फिर उसकी वो जब उसके घर पे आई है तो उसको गन पॉइंट पे, मैंने ये सुना है कि गन पॉइंट पे उससे फोन करवाया गया अपने माँ बाप को और कहलवाया गया कि मैं जो हूँ मैं लाहौर जा रही हूँ या मैं नॉर्थ विजिट करने जा रही हूँ, कुछ इसी तरह से, ताकि उसके माँ बाप उसको कॉल नहीं करें। और फिर उसका फोन भी बंद करवा दिया और फिर उसने उस पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। इस दौरान वो जो है बैल्कनी थी जहां पर वो आई है, चंद लोग कह रहे हैं कि उसने जंप मारी वहां से क्योंकि शोर शराबा हो रहा था, लड़की चीख रही थी और उनके नौकर सुन रहे थे। चंद लोग कह रहे हैं कि उसने जंप मारी वहां से भागने के लिए, चंद लोग कह रहे हैं कि वो नीचे आई सीढ़ियों से, मगर जो भी था ये बंदा आया उसको बालों से पकड़ा और बालों से घसीट के वापस अंदर लेके गया है। अब इनके नौकरों ने, जो चूतिया नौकर थे वहां पर, उन्होंने क्या करा, इनके इसके माँ बाप को फोन किया, बंदे के माँ बाप को फोन किया और बंदे के माँ बाप को बताया कि भैया ये साहब को फिर से एपिसोड हो रही है और ये कर रहा है। तो उसने फिर आगे इनके माँ बाप ने ये थेरेपी वर्कर्स को फोन किया, उनको फोन करके कहा कि भैया आप जाओ वहां पर, उसकी एपिसोड हो रही है, उसको समझाओ। यानी इतने चूतिया, अगर वो नौकर उस वक्त सिर्फ पुलिस को बुला लेते तो शायद वो लड़की ना आज जिंदा होती, मगर नहीं, क्योंकि इन नौकरों ने अपनी दलाली करनी होती है, यू नो, अपने मास्टर्स की, ये अपने लॉयर है ना उनके साथ, क्योंकि उनको अपनी गांड की पड़ी हुई थी, तो उन्होंने नहीं बुलाया। पुलिस को किसने बुलाया, वो मोहल्ले में से किसी और ने पुलिस को बुलाया, ठीक है ना। जब ये थेरेपी वर्कर्स वहां पर आए हैं
और उन्होंने इससे बातचीत करने की कोशिश की है, तो ये था या इसके फ्रेंड्स वहां पर आए थे जो ये बाहर निकल के आया था, कह रहा है कि मुझे एक घंटा दो, और फिर उसने इसको मार दिया। फिर तो थेरेपी वर्कर्स जो आए हैं, जब वो अंदर गए हैं इससे बात करने के लिए, तो इसने उनको भी अटैक किया, उनको भी उनमें से भी एक को गोली मारने की कोशिश की थी, तो इसकी पिस्टॉल में वो गोली जम गई थी, पता नहीं स्टक हो गई थी, तो ही कुडंट फायर। मगर एक कोई शार्प चीज थी, नाइफ थी, जिससे उसने थेरेपी वर्कर को अटैक किया, एंड ही आल्सो गॉट हर्ट, तो उसको भी चोट लगी। अब इसने उस लड़की को किस तरह से कत्ल किया, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मगर इट्स जस्ट हार्ट ब्रेकिंग कि उसको, चंद लोग कह रहे हैं कि उसको पहले शूट किया, चंद लोग कह रहे हैं उसको शूट नहीं किया, आई डोंट नो कि कौन सी चीज कंफर्म है, मगर एक बात तो ये कंफर्म है कि इस बंदे ने फिर छुरी उठाई है और उसको ज़िबा किया है, उसका गला काटा है। ये भी सुनने में आ रहा है कि इसने उसके जो प्राइवेट पार्ट थे उनको भी इसने बहुत बुरे तरीके से छुरी से काट कूट, यानी वो डेड बॉडी के साथ ही वो लगा हुआ था। आई डोंट नो, मैं मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कोई बंदा जिसका दिमागी तवाजुन सही हो वो ये काम कर सकता है, या वाकई में इसका दिमागी तवाजुन जो है वो सटे आ गया था, क्या था इसको प्रॉब्लम तो थी, ये तो हम सब अग्री कर सकते हैं कि इस बंदे को प्रॉब्लम तो थी। तो जब ये थेरेपी वर्कर्स अंदर गए हैं तो उस बंदी का सर दूसरी जगह था और ये उसके सर से खेल रहा था, फुटबॉल खेल रहा था, और वो जो है बॉडी जो थी उसकी दूसरी तरफ पड़ी हुई थी। फिर जब पुलिस आई है तो फिर उसके आगे, पुलिस के आगे ये मैंने बताया था ना, ये ऐसे प्रोटेंड करने लगा कि इसको कुछ पता नहीं है और ये जिब्रिश है, और यू नो मैंने ना काफी जो ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं ना, साइको किलर्स होते हैं, सीरियल किलर्स जो होते हैं, सीरियल रेपिस्ट जो होते हैं, जो आप लोग वेस्ट की बात करते रहते हो ना, तो यहाँ पे बड़े बड़े रेपिस्ट ऐसे गुजरे हैं। एक पॉल बर्नार्डो था जो यहाँ पर था, कैनेडा का था, सीरियल किलर था। तो इन लोगों के साथ कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम होती है, इन लोगों के साथ कोई ना कोई चीज इनके बचपन में होती है जो इनको ट्रिगर करती है, और उस वजह से ये इस तरीके की हरकतें करते हैं। सो इनकी जब अगर आप साइकोलॉजी में जाओ, या इन पे जिन डॉक्टर्स ने रिसर्च की है, इन लोगों से बातें करते हैं बाद में कि आपने क्यों करा ऐसा, तो फिर पता चलता है कि दिस इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम देयर ब्रेन। अब ऑब्वियसली ये जो है ये करेगा, ही इज गोइंग टू ट्राई टू से कि यू नो ये मेंटली डिस्टर्ब था, ये था वो था। कैनेडा में एक केस हुआ था, अल्बर्टा में, एडमंटन में, तो वहां पे क्या हुआ कि ग्रेहाउंड बस है वो, यानी एक जैसे बसें नहीं चलती हैं एक सिटी से या दूसरी सिटी से इधर उधर, तो वो जा रहा था, पता नहीं आई थिंक एडमंटन से कैलगरी जा रहा था, कैलगरी से एडमंटन जा रहा था, कहीं जा रहा था वो। तो उसमें काफी सारे लोग ट्रेवल कर रहे थे, और एक चाइनीज बंदा था वो उसमें चढ़ा, और एक और बेचारा लड़का था, उसका मुझे नाम नहीं आता, मैं इस पर एक दिन करूंगी एपिसोड, मगर मैं छोटी सी आपको ये स्टोरी बताती हूँ। तो वो वहां उसमें उसके साथ एक बंदा बैठा हुआ था, ये लोग रुके, बीच में स्टॉप्स आते हैं कि आप पेशाब कर लो, खाने के लिए कुछ ले लो, यू नो, तो वो स्टॉप के वहां पर जाके रुके और लोग बाहर निकले। ये चाइनीज बंदा एक और लड़के के साथ बैठा हुआ था, यंग बंदा था वो, इसने छुरी निकाली और इस बंदे ने उसका गला काट दिया, बस पे गला काट दिया। तो भाई दूसरे जो लोग थे वो पागल हो गए, वो सारे निकल के आ गए बाहर बस से, और बस ड्राइवर ने दरवाजा बंद कर दिया। अब ये बंदा अंदर पागल हुए जाए, उसका गला काटे, उसकी बॉडी पे छुरियां मारे जाए, उसका सर तन से जुदा करके उठा के वो, जब तक पुलिस नहीं आई है वो बंदा पागल होता रहा है, पागल होता रहा है। तो हुआ क्या कि जब उसको पकड़ लिया और उसकी हेयरिंग हुई और सब कुछ हुआ, तो ऑब्वियसली उसने ये बताया कि मैं मेंटली जो है स्टेबल नहीं हूँ, और जो यू नो ही इज मेंटली नॉट देयर, यानी उसका दिमागी तवाजुन सही नहीं है। इस चीज से मैं अग्री नहीं कर रही थी कि कनाडा का जो सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम, वो भी फेल हो रहा है, ऐसा ऐसा करके बहुत नरम कर दिया इन्होंने, क्योंकि वो बंदा, और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं, मेरे ख्याल से 10-12 साल पुरानी बात है, उस बंदे को रिहा कर दिया। अभी थोड़े देर से पहले ही मैंने सुना था कि वो रिहा हो चुका है और वो सोसाइटी में रह रहा है। आई मीन उस पर ऑब्वियसली उस पर नजर रखी जा रही है, मगर वो सोसाइटी में रह रहा है। सो दिस इज प्रीटी सैड कि कनाडा ने ऐसा किया। अब पाकिस्तान में आई होप ऐसा नहीं हो, जहां तक मुझे लग रहा है, यू नो ये बीच में से कट करके ना यहां से कंटिन्यू कर देना नूर मुकदम का केस का जो है, प्लीज। तो
वहां पे पाकिस्तान में जितने लोग जो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो वो इसको इससे इस तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे कि उसका दिमागी तवाजुन जो है वो खराब है, मगर लॉयर्स जो कोर्ट में होंगे वो जरूर इस चीज पे जोर देंगे कि इसका दिमागी तवाजुन सही नहीं है। ज्यादातर लोग जब क्राइम इस तरह का कर लेते हैं तो उनका सबसे पहला एक्सक्यूज यही होता है कि हमारा तो दिमागी तवाजुन सही नहीं है, इस वजह से वो बच जाते हैं हार्श पनिशमेंट से, और उनको या तो डॉक्टर्स के पास दे दिया जाता है या उनको मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया जाता है, वट एवर द केसेस, वो जो है फिर भी उनको थोड़ी छूट मिल जाती है। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि इसको छूट मिलनी चाहिए। यूएस में काफी सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर सीरियल किलर्स को फांसी पे चढ़ाया गया है या पूरी यानी पूरी पूरी लाइफ उनकी जो है वो जेलों में ही गुजरी और फिर वो मर जाते हैं। सो ये मैं आपको बताना चाह रही थी जो नूर मुकदम नूर मुकदम की जो ये बात हम कर रहे थे। इट इज अ वेरी सैड डे, मगर इसमें देखिए हर चीज के लिए ना एक हर किसी थोड़ी बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। आई गेस हमारी बहुत सारी औरतें हैं ऐसी जिन बेचारियों ने कुर्बानी दे दी है ताकि हमारे मुल्क में ना एक कोई चेंज आए। और पाकिस्तान में मैंने ये देखा कि ये ट्रेंड चले जा रहा है, दो हफ्ते से चल रहा है और लोग इस पे वाकई में औरतें खड़ी हुई हैं इस पे वाकई में इस केस ने पाकिस्तान को झिझोड़ के रख दिया। तो ये बात झिझोड़ के रख दिया है मगर केसेस खत्म नहीं हुए। यानी लास्ट वीक में कोई 7 औरतें हैं खवातीन हैं जिनको मर्डर किया गया है पाकिस्तान में, डिफरेंट केसेस हैं, डिफरेंट केसेस। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब मैं इन चीजों पे बात करती हूँ तो मुझे तो जो हमारे साथ हुआ है मुझे तो उसके फ्लैशबैक्स आते हैं। इट इज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी टू टॉक अबाउट दिस, मगर करना पड़ेगा हमको, राइट? हम क्या करें, हम करना पड़ेगा, किसी को तो करना है ना इस चीज पे बात।